हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में MCA कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी फुल डिटेल के साथ। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना एंड ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए MCA कोर्सेज के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों मैं अभी आपको MCA के कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। MCA कोर्स एक मास्टर डिग्री कोर्स है जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मोस्टली MCA के जो कोर्सेज़ होते हैं वो BCA के स्टूडेंट जो होते हैं वही इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टूल्स को बेटर तरीके से और एक अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से एक किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है। तो यहाँ पे जितने भी BCA के स्टूडेंट होते हैं वही ज़्यादा MCA में एडमिशन लेते हैं, बाकी अदर फील्ड से यहाँ पे बहुत कम रेयर चांस होते हैं जो MCA को करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो आप BCA में काफ़ी कुछ सीख लेते हैं ताकि आपको MCA में इतनी डिफ़िकल्टी फेस करने को ना मिले। और एक बात MCA के कोर्सेज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि MCA कोर्स एक 3 ईयर्स का कोर्स है जो कि बाकी कोर्सेज की तरह 2 ईयर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि MBA हो गया आपका तो वो 2 ईयर्स का होता है, MA हो गया तो बाकी वो सब 2 ईयर्स के होते हैं मास्टर डिग्री, तो ये सिर्फ आपका 3 ईयर्स का MCA का कोर्स रहता है। दोस्तों वैसे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको MCA के लिए एक बैचलर डिग्री यानी कि BCA का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, साथ में एक 50% मार्क्स जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों मैं आपको MCA के एडमिशन के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो कि इनके खुद के अपने कॉलेज के रहने वाले हैं या फिर इनके कुछ स्टेट वाइज भी कुछ अपने टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बता दूंगा। जैसे आप इस टेस्ट को क्लियर कर जाते हो तो इंडिया के आपको टॉप कॉलेज से एडमिशन के लिए ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बेस पे रहने वाला है। तो जिनमें से कुछ कॉलेज के जो अपने टेस्ट रहते हैं, जैसे कि NIT के लिए NIMCET एक टेस्ट है जो NIT कॉलेज के लिए है, एंड महाराष्ट्र का है कुछ, वेलोर कॉलेज का है, इंद्र प्रस्थ यूनिवर्सिटी का है, तेलंगाना स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए है, उड़ीसा के लिए, तो ये कुछ टेस्ट के नाम है जो स्टेट वाइज भी है, कुछ कॉलेज के अकॉर्डिंग भी है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCA का जो टेस्ट होता है वो खुद के अपने कॉलेजेस के या फिर खुद के अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के रहते हैं। यहाँ पे आपको MBA के कैट एग्ज़ाम की तरह ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई भी यहाँ पे MCA के लिए स्पेशली नहीं रखा गया है, तो आपको खुद के जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे वहाँ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ का टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि MCA कोर्स एक 3 ईयर्स का कोर्स है, जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में आपको स्किल डेवलपमेंट इन कंप्यूटर पर फोकस कराया जाएगा, और सेकंड ईयर में जब आप जैसे जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर, एंड थर्ड ईयर में आपको लास्ट में जो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं MCA के स्पेशलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सिस्टम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप अपना MCA की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। दोस्तों ये जान लेते हैं कुछ रेपुटेड कॉलेज के बारे में, जिनमें से फर्स्ट नंबर है NIT सूरतकल, मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद, NIT रुड़केला, VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर, IIT रुड़की, एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। तो ये कुछ 5 से 6 कॉलेजेस टॉप के कॉलेजेस हैं जो आप काफ़ी अच्छा आपसे MCA करने के बाद अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। और कुछ आपको और कॉलेज के बारे में जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कुछ करियर स्कोप के बारे में। दोस्तों अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है MCA करने वाले स्टूडेंट के लिए, IT कंपनी कम्युनिकेशन सिस्टम में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक अच्छी गुड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल्स है तो आप IT सेक्टर में आपके लिए जॉब हाईली डिमांड में रहने वाली है, और जितने भी MCA स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हैं तो आपके पास एक बेटर जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में मिल सकती है। दोस्तों जब आप MCA की डिग्री करोगे तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको C++, Java.NET, ASP.NET जैसे चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इन पे कमांड पर करनी पड़ेगी। और अगर आपको इंटरेस्ट है वेब डिज़ाइनिंग में की फील्ड में तो आपको यहाँ पे PHP, CSS, HTML, JavaScript पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपका जो फील्ड इंटरेस्ट है फील्ड आपका नेटवर्किंग में है तो आपके पास यहाँ पे SQL, Linux जैसे स्किल्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप इन फील्ड में अच्छा करियर बना पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप MCA करने के बाद किसी IT कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन की नीड हो सकती है, तो जहाँ पे आप CCNA, CCNP, CCIE का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको यहाँ पे इसके बेस पे मिल सकती है। दोस्तों अभी मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनिंग, डेटा साइंटिस्ट, और भी जॉब प्रोफाइल है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एंड इस प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं जब आप MCA डिग्री कंप्लीट कर लोगे।
दोस्तों जैसे कि आप MCA कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे आपको टॉप के रिक्रूटर्स जो कंपनी है जैसे कि NTPC, GAIL, BHEL, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, SCL, HP, सिंथल, एसेंचर, ये कुछ टॉप की कंपनीज हैं जो IT सेक्टर में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अभी बात करते हैं सैलरी के बारे में। जैसे कि आप MCA कंप्लीट करोगे तो एज अ फ्रेशर को यहाँ पे 3.5 लाख तक आपका पैकेज रह सकता है, और बाकी अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी कितना पैकेज रहने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मन में कोई भी डाउट है। एंड दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।